आमना से कहाँ मुलाकात हुई आपकी? हमारे एक्चुअली टोटली अरेंज मैरिज थी, और मेरी अम्मी की जो बहन है, खाला है हमारी, सगी खाला, उनके फैमिली फ्रेंड्स थे। अच्छा। उन्होंने रेफर किया मेरी अम्मी को। अच्छा, रेफर किया। उन्होंने रेफर किया। अम्मी माए ढूंढती है ना, रिश्ते की तलाश में होती है इधर उधर, तो माँ अम्मी ने मेरे, जब माँ को लगता है ना कि बेटे के मोबाइल पे अब ज्यादा नंबर लड़कियों के बढ़ गए हैं, मुलाकातें, बेटा सुबह सुबह तैयार होकर किधर जा रहा है, रात में लेट आ रहा है, तो उसको लगता है बस अब शादी कर दूं। हाँ, वैसे वहाँ माए तो सारी घबराती है ना, लेकिन मेरी वो स्टेज आ गई थी। यानी नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन माया वैसी होती है ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है, 28 साल का हो गया। सो मैं, I was 28 when I got married. अच्छा। So 28 साल कोई छोटी उम्र तो नहीं है, सही उम्र है। तो आई थिंक वो पेरेंट्स को होता है ना कि बड़ा ना हो जाए, बहुत बड़ा ना हो जाए। और अम्मियां तो हाइपर हो जाती है ना, पाकिस्तानी अम्मियां खासतौर पर। हाँ, तो ये कि फिर ढूंढा उन्होंने उनको, फिर बाय चांस यहाँ से आ गई। तो जो क्राइटेरिया था, ऑफ कोर्स वो बिल्कुल सेट बैठा था। दिखाने वाला मरहला था, वो कैसा था? वो बिल्कुल कन्वेंशनल था कि हमें मिलाया गया। हाँ। उनकी फैमिली आई, हमारी फैमिली, हम साथ गए। हाँ। एक फॉर्मल सी मीटिंग हुई, वहाँ पे गपशप हुई। तो तुमने उठ के ये नहीं कहा मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, जब तक मैं लड़की को जानूंगा नहीं तो मैं हाँ कैसे कर दूँ एक दफ़ा देख के? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कहा था मैंने कि ऑफ कोर्स एक जानना तो ज़रूरी है। हाँ। और पेरेंट्स बिल्कुल मेरे अंडरस्टैंड किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ नहीं नहीं हमारी बात सुनो, ऐसे बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद एक और हमारी मुलाकात हुई, हमें बैठाया गया कि आपस में बैठ के बात करो। ठीक है। और हमने जो तरीका बात की, हमने बात की, उसके बाद हमने फिर फ़ोन पे भी बात की। ओके। और फिर जब हमारी आपस में समझ आ गई कि हाँ कि हाँ ठीक है, जो क्राइटेरिया होता है एक हस्बैंड का, एक वाइफ का क्राइटेरिया, जो हमें फील हुआ कि वो मैच हो रहा है, तो फिर जो है हमारा फिर निकाह होगा।